नमस्कार, मैं रक्षा बिकी न्यूज से आज आम जनता के साथ खड़ी है और जानने की कोशिश कर रही है कि मेयर का चुनाव पास आ रहा है और ये जनता इस बार की मेयर से क्या उम्मीद रख रही है। हमें बहुत कुछ उम्मीद है, हम सोच रहे हैं कि हमें पक्की दुकान मिल जाए, झांसी में कहीं टाइप काम करें हम। क्या नाम है आपका? राजेश चंद अग्रवाल। सुभाष मार्केट में भी पार्किंग की व्यवस्था उनने बनाई, ऐसी बनाई कि बड़ी गाड़ियां वहां से नहीं निकलती है, टंडन रोड ही उनने चुन लिया। जब से हम लोग 5 साल से इतना परेशान है कि ये ग्राहक की गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाती, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, डर लगा रहता है कि रोड पार करते हैं कि कभी हमारा भी एक्सीडेंट ना हो जाए। और सुभाष मार्केट में बड़ी पार्किंग बड़ी गाड़ियों के लिए भी ये कहते हैं कि साहब यहाँ तो मार्केट है, हम जैसे टंडन रोड में कोई मार्केट ही ना हो। आप सुभाष मार्केट में जाइए, वहाँ ठेले भी लगे, सब लगे, वो कह रहे हैं साहब यहाँ जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो आप ठेले वगैरह हटाओ ना, उनकी व्यवस्था दूसरी जगह करो, गाड़ी वहाँ से भी निकालो कुछ, जिससे हम लोगों का रोड फ्री हो। झांसी की जनता को, झांसी की जनता की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण। झांसी महानगर में हर सड़क पर, हर चौराहे पर अतिक्रमण है। हम ये चाहेंगे कि कोई भी मेयर किसी भी पार्टी से चुन करके आए, वो यहाँ की अतिक्रमण की समस्या को हल करे और यहाँ पे जो अस्वच्छता का वातावरण है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, नाली में बज जाती है, उनकी ठीक तरह से सफाई नहीं होती है। हमारी पर्सनल कोई समस्या नहीं है, लेकिन शहर में जो स्थिति दो मंजिल के हिसाब से पार्किंग व्यवस्था यहाँ नहीं है, छोटी सी एक पार्किंग है तो जो कवर नहीं कर पाती, तो रोडों पर गाड़ियाँ चाहे जहाँ फैली रहती बस पूरे टोटल हर तरफ सिस्टमेटिक पार्किंग नहीं, मतलब जो तरीके का जैसा होता है एक महानगर में होना चाहिए वो नहीं, सिस्टमेटिक पार्किंग होना चाहिए। ये सब ऐसा उल्टा सीधा अच्छा थोड़ी है, व्यवस्थित पार्किंग हो, जैसे पैसा लगता है तो उसकी सुविधा भी मिले। अब ऐसा तो है कि पैसा तो लगता है तो सुविधा है नहीं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ढेले लगे रोडों पे, मगर जगह स्थाई है नहीं है उसके लिए। अगर स्थाई जगह मिल जाए ढेले वाला तो जो रोड जाम भी नहीं होगा, वो जगह की जगह रह जाएगी उसके आने के लिए। और रही चुनाव की, तो चुनाव तो हर साल ही मिलते हैं, हर साल देते हैं, पब्लिक चुनाव देती है कि उसके लिए चाहे वो मेयर के हो चाहे पार्षद की हो, मगर जे अगर सर्वे अच्छी हो जाए तो और अच्छी बात है। क्या ठेले वाले क्या करेंगे, रोड पे लगाएंगे कहाँ जाएंगे? कोई निश्चित जगह नहीं दी गई आप लोगों को? कोई नहीं मिली अभी तक, नहीं मिली। आपने कभी शिकायत की इस बात की? बात भी कर जगह दिया, लाइसेंस बन गया हम लोगों के, और उसके बाद भी कोई जगह नहीं, कोई जगह बात नहीं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पे जो है कोई स्थायी आपका निर्धारित स्टैंड नहीं है, निर्धारित जगह नहीं है, पैसा ले लिया जाता है, हम लोगों ने 500 रुपये लिए यहाँ के स्टैंड के लिए, कोई स्टैंड नहीं है, ठेले वालों को जगह नहीं है, कोई जगह नहीं दिया, कोई काम कोई नहीं करता है। आइए जानते हैं गंदगी का आलम आम जनता के बीच। क्या नाम है आपका? बोलो, मेरा नाम एहसान है सर। ये जो गंदगी रोज आप लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं। आप लोग बेचते तो आप ही लोग सब्जियां वगैरह? अच्छा, झाड़ने वाले आते नहीं है ना यहाँ पे? यही हम आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, झाड़ने वाला कोई नहीं आता? नहीं आते, महीनों नहीं आते। कभी कोई शिकायत की है? कही की है, मेरे पास रखी उसकी रिपोर्ट अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आबिद सलीम राइन। कचले की प्रॉब्लम तो है यही, साथ में ये जानवर छुत्तल जो फिर रहे हैं ना, इनकी वजह से तमाम ग्राहकों को चोट आ चुकी है, कई अस्पताल में बढ़ती है अभी। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो पब्लिक ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी वक्त ये जानवर भी छूट पड़ते हैं, तो हम लोग सौदे में ध्यान दें या इन जानवरों की तरफ ध्यान दें। ये ना हम दुकानदार सेफ हैं इसमें, और ना ही हमारे आने वाले ग्राहक, इनकी डर की वजह से ग्राहक ने आना भी बंद कर दिया, कम कर दिया, और गंदगी अलग से फैल रही है, ये कोई भी टाइम से काम नहीं हो रहा है। आपने लिखित कभी किसी को सूचना दी है? सूचना एक ही बार रिपोर्ट लगाई थी बस भाई ने हमारे, बस उसके बाद फिर तो यहाँ आपके पार्षद मेयर यहाँ कोई देखने आया है? कोई नहीं आया, कभी नहीं आया। नहीं, नहीं। नाली खुलवा के और चलेगा। आने वाले जो चुनाव है उनसे किसी से उम्मीद है आपको? अब उम्मीद किससे कर सकते, जो काम सही करेगा उसी से उम्मीद रखेंगे अपन, जो हमारी जरूरतों को देखेगा, परेशानियों को। वार्ड की समस्याएं सामान्यतः तो बिजली की प्रॉब्लम है, अगर बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो वो लैंप पोस्ट के चेंज नहीं होते, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, और पीछे नाला है यहाँ पे, वो नाले की सफाई जो है वो समय से नहीं होती है, और उससे दुनिया भर की बीमारियाँ फैलने का अंदेशा रहता है। और बाकी जो पाइपलाइन जल निगम की पड़ी है वो भी बीच में काफ़ी टूटती रहती है। समस्या है क्या क्या है वैसे? नाली साफ है, झाड़ू की है, कचरा है, इसकी कभी नहीं। बड़े आदमी बहुत ज़्यादा पैसे वाले, उनकी हर समस्या नहीं हो जाते, खड़े होके करवाते हो। समस्या है नालियाँ साफ ना होना, और ये
सफाई कर्मचारियों का समय पर ना आना, मार्केट खुलने के बाद सफाई होती है इस बार, मतलब बहुत सारी कमियां हैं जो अभी बताया है नगर निगम ने। प्रत्याशी चुने गए हैं, हमें प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो व्यापारियों की समस्याओं को समझ सके, उनका साथ दे सके, और जो समस्याएं अधूरी हैं नगर निगम में उनको पूरा कर सके। जो इस बार के मेयर खड़े हुए हैं प्रत्याशी के लिए, तो क्या उम्मीद है आपसे, आप क्या देखकर उनको चुनेंगे? देखिए, हम जो भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी इस तरह का होना चाहिए कि वो किसी तरह की बहानेबाजी ना करें। होता क्या है कि इस समय तो कहते मैं सारे काम करा दूंगा, और कराने के बाद जब वहाँ पे पद पर बैठ जाते हैं तो या तो वो कोई इस तरह के बहाने बना लेते हैं, साहब ये मेरे बस में नहीं है, या ये मेरे तरह तरह की जो बहानेबाजी होती है। अभी सब बोलेंगे कि हाँ मैं करा दूंगा, हो जाएगा हो जाएगा, और होने के बाद आधे से ज़्यादा वो काम होते ही नहीं है। वो भूल जाते हैं कि हमने कितने कमिटमेंट किए थे, कितने काम कराने थे, और कोई ना कोई बहाने बना कर तो जनता को गुमराह ना करें। अगर बस में है तो बिल्कुल कहें कि हम ये कराएंगे और कराना होगा, तो विश्वास जीतना पड़ेगा पहले विश्वास। तो ऐसे ही पड़े हमारे मेयर हों जो हमारे बीच रह करके हम लोगों के विश्वास के ऊपर खड़े उतरे। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सीपरी का ये ब्रिज बने, क्योंकि इस ब्रिज के ना बनने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैंगी। आज पूरे 3.5 साल हो गए हैं, पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई हैगी यहाँ की। जब ये पुल बनेगा उसके बाद ही सीपरी बाज़ार का उद्धार होगा। तो कैसा चाहोगे मेयर? मेयर ऐसा चाहते हैं जो पूरा अपना आगे स्मार्ट सिटी हो रही है और बहुत बड़ा बजट आ रहा है हमारे पास में, इस बजट का सही उपयोग किया जाए, वही मेयर आए। और अपने मेयर वो होना चाहिए जो अपना प्रॉपर झांसी का मेयर हो और झांसी का रहने वाला हो, वही झांसी के बारे में सोच पाएगा, बाहर का आदमी झांसी के बारे में नहीं सोच पाएगा। झांसी का मेयर एक तो झांसी का ही होना चाहिए, और आगे स्मार्ट सिटी होने वाली है तो उसके लिए बजट भी काफ़ी आना है, तो अगर अच्छा आदमी आएगा तो उसी हिसाब से विकास होगा झांसी का। देखिए, आज की तारीख में मेयर का चुनाव बहुत टफ हो गया है, क्योंकि जो जागरूक जनता है आज वो वायदों को नहीं चाहती है, वो चाहती है कि कुछ आज जो मेयर बने वो कुछ काम करके दिखाए, और वो मेयर से आज की तारीख में बहुत उम्मीद रखती है, क्योंकि जो विकास के नाम पे नेता लोग आते हैं हम विकास करेंगे हम ऐसा करेंगे, वो कहीं ना कहीं से वादे ही बन के रह जाते हैं। तो जनता झांसी की ये चाहती है कि वादे ना करे, और आज जो मेयर बने वादे ना करके झांसी की जनता को परिणाम दिखाए, और परिणाम के तहत कई चीज़ें आ जाती हैं मूलभूत, जैसे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, जो ओवरब्रिज बन रहा है, जिससे कि खासतौर से सीपरी की जनता तो बहुत त्रस्त हो चुकी है। आज 3-4 साल होने को आए हैं, व्यापारी वर्ग इतना मतलब नाराज़ है इस बात से कि अभी तक पुल कंप्लीट नहीं हुआ है, और आगे भगवान जाने कब कंप्लीट हो, ये सिर्फ एक दूसरे की सत्ता के चक्कर में ये पुल अटका पड़ा है। दोस्तों, अगर आप भी बुंदेलखंड में रहते हैं तो आप भी अपना रुझान हमें मेल कर सकते हैं अपनी पूरी जानकारी के साथ। तो उठाइए अपना मोबाइल और वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए मुझे इस मेल आईडी पर bknewsurmila@gmail.com। देखते रहिए न्यूज़ बुंदेलखंड।